हम लोग 1971 से 50 साल हो गया हमारा ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ईयर है। गंगा सागर तीर्थयात्री सेवा शिविर में सेवा शिविर लगाते हैं। কলকাতা আউট্রামঘাটে গঙ্গা সাগরের তীর্থযাত্রীদের অস্থায়ী শিবির জমে উঠেছে। গত 8ই জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্বোধনের পর থেকে সব রকম সুযোগ সুবিধা তীর্থযাত্রীরা পাচ্ছে। এছাড়াও অনেক সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান আছে যারা প্রতিনিয়ত সেবা করে চলেছে। এমন একটি সংস্থা হল সুলতানপুর সমাজ কলকাতা। তারা 7ই জানুয়ারি অস্থায়ী শিবিরের উদ্বোধন করে। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অনেক বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত। সেখানে সারা ভারত থেকে তীর্থযাত্রীরা এসে থাকছে এবং চারবেলা খাওয়া দাওয়া পাচ্ছে। এছাড়া ওষুধ, সিস্টার, ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্স সমস্ত পরিষেবা তারা দিচ্ছে। সুলতানপুর সমাজের মানুষেরা মনে করে যে তীর্থযাত্রীদের সেবা করা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সেবা করা। তারা ভগবানের আশীর্বাদ পাচ্ছে। আবার তীর্থযাত্রীরা দূর দূরান্ত থেকে এসেছে, মূলত উত্তর ভারত, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ থেকেই এসেছে। সেই সমস্ত মানুষ কনকনে শীতে কলকাতায় এসে তাদের মাথা গোজার একটা স্থায়ী ঠিকানা পেয়েছে এই গঙ্গাসাগরের মেলা উপলক্ষে, এবং তারা চারবেলা ভালো ভালো খাবার পাচ্ছে এবং তাদের কোনো রকম অসুবিধা হচ্ছে না। সবসময় ডাক্তার, ওষুধপত্র তাদের দেওয়া হচ্ছে। সুলতানপুর সমাজ কলকাতা এবছর তাদের 50 বছর এই সেবা শিবির উত্তীর্ণ করল। আজ থেকে 50 বছর আগে গুটি কয়েকটি সংস্থা এই পরিষেবা দিত। আজ এখানে প্রায় 60টিরও বেশি সংস্থা এই পরিষেবা দেয়। কিন্তু তখন হাতে গোনা যে কয়েকটি সংস্থা পরিষেবা দিত তাদের মধ্যে সুলতানপুর সমাজ একটি। তারা সারা বছর মানুষের পরিষেবা দিয়ে চলে। আগামীতে তারা 50 বছর উপলক্ষে আরও বেশি করে এই পরিষেবা দেবেন, এমনই জানালেন তাদের কর্মকর্তারা। দীপ রায় রিপোর্ট, নিউজ আইল্যান্ড 15। इस टाइम पर आज जो सेवा सत्कार जो होता है, इससे भर के हमें लगता है कि शायद ये गंगा सागर, लोग कहते थे कि गंगा सागर एक बार, लेकिन मैं कहता हूं कि आज जिस तरीके से बाहर के लोग आकर यहां पर अपना सब समाज, सुल्तानपुर समाज और सभी समाज जो आए हुए की जिस तरीके से सेवाएं करती हैं और रहना, खाना पीना, कपड़ा पूरी जिम्मेदारियों से करती है, यहाँ से लेके और गंगा सागर तक ही सेवा होती रहती है। मैं उन लोगों को इस गंगा सागर के लिए नमस्कार करता हूँ कि जो कठिनाइयाँ कलकत्ते के अंदर पहले होती थी कि गंगा सागर एक बार समझे नहीं, बाबा गंगा सागर अब हो गया है कि बराबर गंगा सागर एक बार 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 जो भी है अब तो अच्छा लगता है। और पहले से लोग डरते थे कि वहां जाकर गंगा सागर की किस तरीके से दर्शन और गंगा अपने चलेगा या अपने जो भी पुण्य है कैसे लूटा जाएगा। वो आज भरते भरते इतना समाज सब जगह से आता है और कलकत्ता ही एक ऐसी महानगरी है जो कि सेवा सत्कार में आने वाले जो भी हमारे तीर्थ लोग हैं उनकी सेवा में लगी रहती है। मैं इसलिए ज़्यादा तो बोल नहीं पाता कि हमारे अभी पंडित जी कृष्ण जी ने जो उनको प्रणाम करते हुए मैं बोलता हूँ कि जो कुछ बात बताई है बहुत ही अच्छी और शुभ लगी। समाज के लिए, सेवा के लिए ये सबसे बड़ा समाज है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है यहाँ से लेके गंगा सागर। बस बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। राम प्रताप मिश्रा, धन नहीं है। और आपका संगठन का नाम? सुल्तानपुर समाज कलकत्ता। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 1971 से 50 साल हो गया हमारा ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ईयर है। गंगा सागर तीर्थयात्री सेवा शिविर में सेवा शिविर लगाते हैं। कैंप लगा यहाँ पर। एक यात्री को, गंगा से एक मनुष्य को सुबह से लेकर शाम तक जो भी सारी व्यवस्था हम लोग यहाँ देते हैं,
सुबह दातून से लेके खाने पीने का रहने का और उनको गंगा सागर स्नान तक जो दूर दराज से सारे भारत से यात्री आते हैं उनको सारी सुविधाएं देते हैं हम लोग यहाँ पर। सारे भारत से आते, नेपाल से भी आते, उड़ीसा से आते, बंगाल से भी, पुरुलिया वगैरह से, आपका कटिहार जो बहुत सारे यात्री जो भी आते हैं सबका लोग सेवा करते हैं यहाँ पर। ये लोग जान पहचान है ना? नहीं नहीं नहीं, कोई जान पहचान नहीं है, यात्री हैं वो लोग बस, किसी का कोई नाम नहीं मालूम, ना वो हमको जानते ना हम उनको जानते। कितने आदमी में क्या सुबह करेंगे? सबको सुबह से लेके जैसे उनको जो सुबह उठ के ब्रश चाहिए, दतवन चाहिए, हम देते हैं चाय पानी 24 घंटा देते रहते हैं, उनको भोजन वगैरह कराते हैं, भोजन में उनका सुबह पूरी सब्जी, चावल दाल, शाम को पूरी सब्जी, जो भी वो खाना चाहे, दूध वगैरह है, चाय है, ये सब उनको देते हैं। और कोई अगर बीमार हो जाए उसका दवा चिकित्सा का भी व्यवस्था हम करते हैं। कितने आदमी का ये व्यवस्था है? कोई लिमिट नहीं है इसका, अनलिमिटेड है, जो भी आ जाए, जितने भी लोग आ जाए, कोई इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। वो आते रहेंगे, हम खिलाते रहेंगे, जाते रहेंगे, दवा देते रहेंगे, सिस्टर, डॉक्टर, एम्बुलेंस 24 आवर्स हमारा सब चलता रहेगा। कितने साल से ये कर रहा है? 1971 से। 50 साल हो गया? 50 साल हो गया सर। गोल्डन जुबली है इस साल, गोल्डन जुबली ईयर है। फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान हम सोचते हैं कि अब इस साल से हर महीना कुछ ना कुछ करेंगे, तो उसके लिए अब प्रोग्राम बनाएंगे कि इस 12 महीना में 12 प्रोग्राम देंगे। राम प्रताप मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट, सुल्तानपुर समाज, कलकत्ता।